मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट सम फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. सम नंबर 19, शीतल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इश्यूड 120,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक एट ₹10 पर शेयर. कंपनी कॉल्ड अप द अमाउंट एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर एंड ऑन फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर्स. Applications were received from public for 180,000 shares. In this reference, allocation was made by company as under. Then students, first two entries we have to give on 180,000 shares. Full allotment was made to applicants of 48,000 shares. Not a single shares was allotted to applicants of 36,000 shares. 72,000 shares were allotted to applicants of 96,000 shares. All amounts were received in time. From the above information, pass necessary journal entries in the books of the company. Then students, we have to make calculation for this. The sum is 4 pro rata. Then calculation. Application received and allotted shares. Shareholders who has 48,000 shares, full allotment are made. Means 48,000 जिसने application किया है उसे 48,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं. सेम वे जिसने 36,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया है उसे एक भी शेयर नहीं दिया गया है, मींस नील. एंड जिसने 96,000 के लिए एप्लीकेशन किया है उसे 72,000 शेयर्स दिए जाते हैं. इस तरह से एप्लीकेशन रिसीव्ड का टोटल होगा 180,000 एंड अलॉटेड शेयर्स का टोटल होगा जितना कंपनी ने इश्यू किया है शेयर्स उतना, मींस 120,000. देन इसके बीच का जो डिफरेंस है वो रिजेक्टेड शेयर्स है, मींस हमें अमाउंट वापस करनी है, वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा. 96,000 एंड 72,000 के बीच का डिफरेंस वो होगा अलॉटमेंट इन एडवांस, मींस यहां पर प्रोराटा किया गया है जो होगा 24,000. देन फर्दर कैलकुलेशन करें, शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड 180,000 शेयर्स लेस करेंगे अलॉटमेंट इन एडवांस, ₹24,000 - ₹24,000 - ₹26,000. देन जो शेयर्स रिजेक्ट किए जाएंगे उसके लिए लेस बैंक अकाउंट 36,000, 120,000 शेयर्स को जो कंपनी ने इश्यू किए हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में. देन जो हम सेकेंड एंट्री करेंगे उसमें हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से शो करेंगे स्टूडेंट्स. देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 120,000 शेयर्स जाएंगे. 120,000 मल्टीप्लाई बाई 3 पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर मंगवाया जाता है. अलॉटमेंट इन एडवांस में 24,000 मल्टीप्लाई बाई 3 जाएंगे, बैंक अकाउंट में 36,000 मल्टीप्लाई बाई 3 जाएंगे. देन एंट्रीज, देन स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, कंपनी को एप्लीकेशंस मिली थी 1,80,000 शेयर्स पर, देन 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 5,40,000 नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिसीव्ड ऑन 1,80,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर. सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट. ₹5,40,000 here in equity share capital account, ₹3,60,000 in allotment in advance account, ₹72,000 and to bank account, ₹1,08,000. Narration being applications are allotted and pro rata is made then third entry equity share allotment account debit to equity share capital account. अब जो फर्दर एंट्रीज दी जाएंगी वो जितने कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हैं मींस 1,20,000 शेयर्स पर एंड अलॉटमेंट के टाइम पर ₹3 पर शेयर कॉल्ड अप करवाएंगे एंड फाइनल कॉल के टाइम पर ₹4 कॉल्ड अप करवाएंगे. देन 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,60,000 नरेशन being amount of allotment is called on 1,20,000 equity shares at ₹3 per share. Fourth, ये अमाउंट मिलेगी देन बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट की मनी जो हमें एडवांस में मिल चुकी है वो फिर से मिलेगी नहीं. मींस यहां पर लिखेंगे हम अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ₹3,60,000 कॉल्ड अप अमाउंट थी जिसमें से हमें पहले मिल चुकी है 72,000. 3,60,000 माइनस 72,000 2,88,000 अमाउंट हमें मिल जाएगी. देन नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट इज रिसीव्ड. Fifth, equity share final call account debit to
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल की अमाउंट रुपीज 4 पर शेयर मंगवाई जाएगी 1,20,000 शेयर्स पर, मींस 4,80,000। देन नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल इज कॉल्ड ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 4 पर शेयर। देन ये अमाउंट मिल जाएगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। देन टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 5,40,000 प्लस 5,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 4,80,000 टोटल विल बी 27,60,000। 27,60,000 स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 19। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सम के साथ स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।